दोस्तों, मैं सुधीर भारद्वाज शुभम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चूंकि दशहरा चल रहा है तो मैं नया वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा नंबर, यानी कि अगर एक बहुविकल्पी प्रश्न को हम हल करें, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, तो हम हर चैप्टर से बहुविकल्पी के 5 5 क्वेश्चन उठाएंगे, जो कि हर चैप्टर से करेंगे। हालांकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में हर चैप्टर से रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे चैप्टर वाइज, यानी कि सबसे पहले हम आव्यूह के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, 5 क्वेश्चन को हल करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे बहुविकल्पी कौन करेगा, लेकिन बहुविकल्पी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें तीर तुक्का तो चलेगा नहीं, ठीक ना। अगर किसी का तुक्का लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा तो फिर गलत हो जाएगा, 1 नंबर आपका पूरा पूरा छूट जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग तो होती नहीं है। अगर कोई सवाल 2 नंबर का है, अगर आप उसे हल करते हैं, हल करते करते अगर लास्ट तक जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है। लेकिन मल्टीपल चॉइस में अगर 1 नंबर का है, अगर ऑप्शन सही नहीं है, तो वो पूरा का पूरा 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 मिनट अपना देते हैं तो ठीक है, तो आपको ये 5 नंबर ज़रूर आपको मिल जाएंगे मैट्रिक से। हालांकि मैट्रिक से एक सवाल होगा, अलग अलग चैप्टर से होगा, लेकिन ये 5 6 सवाल अगर आप कर लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप क्या कर पाएंगे, हल पाएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों अब ये कहना चाहेंगे कि अब जो समय आ गया है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने कि अब भगवान के भरोसे मत बैठिए। अब क्या पता कि भगवान ही आपके भरोसे बैठे हों। सही बात है कि बहुत बच्चे एकदम छोड़ दें कि अरे जो होगा देखा जाएगा, ठीक ना, भगवान जो करेंगे वही होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। आपको ही एग्ज़ाम में बैठना है, न कि भगवान बैठेंगे। आपको ही पढ़ना है सारी चीज़ें, इसीलिए बीच बीच में बच्चों को समझाया जाता है कि सब कुछ काम छोड़ के, ठीक है दशहरा जरूर चल रहा है, लेकिन इस साल आपके लिए समझिए कि ये दशहरा नहीं, एक सामान्य दिनों की तरह है, ठीक ना, इधर उधर अनावश्यक समय व्यतीत न करें, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन बैंक, अगर विद्या क्वेश्चन बैंक ले चुके हैं, तो मैं वहीं से 5 क्वेश्चन को हल करा दे रहा हूँ दोस्तों। आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहले देखिए। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है, ठीक है। देखिए, अगर दो आव्यूह समान होते हैं, इसमें यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, ठीक ना, तो एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए, जो ये दो मैट्रिक्स है, यानी कि जो दो आव्यूह हैं, तो दो आव्यूह बराबर कब होते हैं दोस्तों? दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक ना, यहाँ पे मैं ऑप्शन ढका हूँ, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, यानी कि देखिए पहले स्थान पे जो एलिमेंट है 3x+7 बराबर होगा 0 को, ऐसा बताया गया है, तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा, और यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जो है 5 बराबर होगा y-2 के बराबर, यहाँ से भी निकल सकता है। तो आइए हम एक कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ से हम ऑप्शन देख लीजिए, ये चीज़ यानी कि 3x+7 बराबर 0 करेंगे। आप सभी को पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या चीज़ होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहले स्थान पे जो एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्थान वाला एलिमेंट बराबर होगा। यहाँ से जो है आप एक्स का मान आ जाएगा -7/3 दोस्तों, और जो है 5 = y-2, क्योंकि एक्स और वाई का मान बताना है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 = y-2। -2 को देखिए, -2 किधर ला देंगे तो आप पाएंगे कि y का मान जो है आप 7, ठीक ना। इस तरह से आप देखते हैं ऑप्शन क्या होता है, x की वैल्यू जो है -7/3, इसमें इसमें देखिए, ये देखिए ऑप्शन, x की वैल्यू दोस्तों क्या थी, -7/3, और y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू 7 है लेकिन x की वैल्यू -1/3 है, यहाँ पे y की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू -2/3, ज्ञात करना संभव नहीं है, इसमें कोई कोई ऑप्शन ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक ना। एक्स की वैल्यू -7/3 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहीं पे भी -7/3 नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2।
दोस्तों इसमें एक चीज़ और करना है हमें, जैसे कि कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर किए तो एक्स की वैल्यू -1/3, यहाँ पे भी यानी कि ये एलिमेंट जो है हम 4 के बराबर करेंगे, 2 -3x = 4। थोड़ा सा इसमें देखिए, यहाँ से -3x = हो जाएगा यहाँ पे 4 -2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कह रहा है कि -1/3 होना चाहिए और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू -2/3, इसलिए इसमें क्या होता है कि जबकि एक्स का एक ही मान होना चाहिए, यहाँ पे एक्स का दो मान आ रहा है, x = -1/3 और x = -2/3, इसलिए ये ऑप्शन हुआ कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, वाई का मान तो ठीक है, अगर वाई का मान इससे भी हम करते हैं, y+1 = 8 करेंगे, यानी कि y+1 = 8 करेंगे, तो यहाँ से y का मान तो 7 आ रहा है, दोनों ही स्थान से y का मान तो ठीक आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू जो है अलग अलग आ जा रही है, इसलिए कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं, इसलिए ऑप्शन भी हुआ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए ध्यान से आप। इसमें कह रहा है कि 0 0 4 0 4 0 4 0 0 वर्गावयव है, विकर्णावयव है, तत्समकावयव है और इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, इस तरह के सवाल को किया गया है। आपको पता है कि वर्गावयव क्या होता है, कि जिसमें नंबर ऑफ रो इज़ टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 ऑर्डर का है। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वर्गावयव है। विकर्णावयव जो है, इसमें एलिमेंट विकर्णावयव हम तब बोलते हैं कि जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो मुख्य विकर्ण, यानी कि ये चीज़ हो जाए 0 0 C। ठीक ना, ये 3x3 ऑर्डर का हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, विकर्णावयव। जबकि एलिमेंट जो है ये इस तरह से है, मुख्य विकर्ण के अलांग जो है एलिमेंट नहीं है, तो ये जो है विकर्णावयव नहीं है। तत्समकावयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि देखिए यही ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि वर्गावयव। वर्गावयव क्या है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, ये वर्गावयव विकल्प नंबर 1 सही है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा कि अवयवों में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान है, दिया गया अवयव वर्गावयव। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रमशः 3x m और 3x n कोटि के दो अवयव हों तथा m = n हो, तो अवयव 5a - 2b की कोटि क्या होगी। तो दोस्तों इसमें समझने की क्या इसमें क्या मेन चीज़ है, कोई भी देखिए, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स ए है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर है 3x m का। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है वहाँ पे 3x n का, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि m = n है। ठीक ना, तो जहाँ पे m है वहाँ से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि m = जब n है तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3x n का, b = हो जाएगा यहाँ पे 3x n का। ठीक ना, यहाँ पे बोला कि 5a - 2b का ऑर्डर क्या होगा, तो हमको पता है कि दोस्तों अगर हम इस मैट्रिक्स ए में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना, उसका ऑर्डर तो नहीं बदलता है, ये क्या होगा कि जो 5 होगा हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो नंबर 5 है मैट्रिक्स ए में हर जगह यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, -2 × b। दोस्तों b का भी ऑर्डर क्या है, 3x n है। ठीक है, ये 2 जो है फिर इसमें हर जगह मल्टीप्लाई होगा, जो चारों जगह, अगर 3x3 ऑर्डर का एलिमेंट है, आपको पता है कि मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर नंबर है तो कैसे मल्टीप्लाई होता है बाहर। अच्छा, 2 मैट्रिक्स को अगर घटाते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी बदलता नहीं है, हम बताए थे, इस तरह से फाइनल जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3x n ऑर्डर आ जाएगा। 2 मैट्रिक्स को जोड़ें या घटाएं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदलता है, इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, 3x n ऑर्डर का। इस ऑप्शन को आप देख भी सकते हैं, देखिए
ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हुए टोटल? 3 क्वेश्चन हो गए। इसमें से छांट छांट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कराएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन तो बहुत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा नज़र मारिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो आव्यूह 1 0 0 0 2 0 0 0 4 एक तत्समक आव्यूह है, सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसे समझने की ज़रूरत है। देखिए सारी डिफिनीशन है, सारी अगर आप मैट्रिक्स का लेक्चर आप खोलेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा हर एक प्रकार की जो आव्यूह हैं उनके डिफिनीशन बताई गई है, ठीक ना। एक एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि तत्समक आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है, तो हर हाल में आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। देखिए तत्समक आव्यूह क्या होता है? तत्समक आव्यूह ये भैया आइडेंटी मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आइडेंटी मैट्रिक्स। ऐसा तो है नहीं। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो एलिमेंट केवल विकर्ण विकर्ण के अलांग हैं, यानी कि ये ध्यान से देखा जाए तो एक विकर्ण आव्यूह है, और साथ में कह सकते हैं कि ये जो है वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ऐसा कोई ऑप्शन ही ना वर्ग आव्यूह का ऑप्शन है और ना ही विकर्ण आव्यूह का आव्यूह ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से सममित आव्यूह क्या होता है दोस्तों? कैसे पता करते हैं कि कोई आव्यूह सममित है यानी कि सिमेट्रिक है? तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एलिमेंट है 2 5 7 9, ठीक ना। कैसे पता करते हैं कोई मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित है? कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए AT। ट्रांसपोज कैसे करते हैं दोस्तों? याद होगा कि रो को यानी कि ये जो R1 को हम उठा के C1 पे कर देते हैं, यानी कि 2 5 और 7 9 को कर देते हैं यहाँ पे। अगर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि यहाँ पे ये ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा। अगर एक एग्जांपल हम लें सममित आव्यूह का, जैसे यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 कह सकते हैं, ठीक ना। इसको जरा ट्रांसपोज करिए तो ए टी करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 2 5, ठीक ना। इसको R1 को उठा के हम क्या कर दें C1 पर रख दिए, यहाँ पे उठा के R2, ये R1 है ये R2 है, तो इसको उठा के अब देखिए फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गया। आपको याद हो गया होगा कि सममित आव्यूह कैसे चेक करते हैं, तो ट्रांसपोज करके, यानी कि जो है परिवर्त आव्यूह जो निकालते हैं। इसमें वैसा कुछ है ही नहीं, ठीक ना। ऑप्शन देख लीजिए आप, ये इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिखा रहा है, सममित आव्यूह है, ठीक ना। यहाँ पे सिमेट्रिक आव्यूह, इसका ट्रांसपोज करिए तो शायद हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करिए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ठीक ना, इसको मान लीजिए मैट्रिक्स ये है, जरा इसका ट्रांसपोज करिए तो ए डैश भी दिखाते हैं या ए टी से दिखाते हैं। इसी तरह से देखिए गलती होता है, R1 को उठा के C1 पर रखिए 1 0 0, R2 को उठा के यानी कि ये R2 है, इसको C2 पे 0 2 0, ये R3 है, ये R1 है, ये R1 R2 R3, ये हो जाएगा 0 0 4। हाँ दोस्तों ये देखिए वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रही है, यानी कि जब इसका ट्रांसपोज किए तो फिर से देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मैट्रिक्स पहले थी वही मैट्रिक्स आ गई। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स क्या है सममित आव्यूह है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है, हमने ट्रांसपोज नहीं किया था इसका, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्वयं से करना पड़ेगा हमें, पहले अपना दिमाग लगाते हैं। कह रहा है किन्हीं दो ए और बी आव्यूहों के लिए कौन सा सदैव सत्य है, ठीक ना, कौन सा ऑप्शन सही है। ए इंटू बी यानी कि मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आएगा बी इंटू ए करें।
दोस्तों ये बहुत बताया गया है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक ना। आपको याद होगा कि अगर एक मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ठीक ना, और एक मैट्रिक्स बी जो है फिर से वो भी 2x2 ऑर्डर का है। आपने देखा होगा कि जब मैट्रिक्स ए का बी में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से नया मैट्रिक्स आता है 2x2 ऑर्डर का, और बी इंटू जब ए करते हैं तो वो भी क्या आता है, 2x2 ऑर्डर का आता है। तो बहुत बार हम देखे होंगे कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा अच्छा ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक ना, ऐसा हमेशा। क्योंकि इसमें कौन सा सदैव सत्य है, ये सदैव सत्य है। देखिए ए बी इंटू बी ए हो सकता है, एक केस में होता है जब मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक ना, लेकिन वो कह रहा है कि सदैव सत्य होना चाहिए हमेशा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए ए बी सही नहीं है, एक केस होता है जिसमें ए बी बी ए के बराबर हो जाता है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, ठीक ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, चाहे विकर्ण आप भी हो जाए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। देखिए एक मैट्रिक्स जो है आप ले लीजिए 4 0 0 4, एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए एक विकर्ण आप भी 9 0 0 9, ठीक ना। अब इसका ए इंटू बी करिए जो भी आएगा, ठीक ना, इसका बी इंटू ए करके देखिए फिर जो आएगा, वो दोनों यहाँ पे आप पाएंगे कि ए बी इजकल टू बी ए। इसमें कह रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कह रहा है कि ए बी हमेशा बी ए के बराबर नहीं होगा, ये भी सत्य नहीं है, ठीक ना। ये स्पेशल केस है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये स्पेशल केस है कि जब मैट्रिक्स जो है हमारा विकर्ण आव्यूह होता है तो उस केस में ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, ठीक ना। ए बी सदैव सत्य नहीं है, ए बी इंटू ए इंटू बी, तीसरा ऑप्शन देखिए सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ओ नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक ना। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में अगर कोई भी मैट्रिक्स, कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए ए आई जे 3x3 ऑर्डर कर लिए, ठीक ना, एक मैट्रिक्स बी हमको समझाना है यहाँ पे, ठीक ना, एक मैट्रिक्स फिर से बी आई जे 3x3 ऑर्डर कर लिए। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए का बी में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सदैव जीरो मैट्रिक्स आता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं, हर एक एलिमेंट जीरो जीरो हो जाए। ऐसा हमेशा संभव होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सदैव सत्य नहीं। कभी कभी हो जाता है कि मैट्रिक्स ए और बी इस तरह से सेटिंग होता है कि मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, लेकिन सदैव सत्य हो ये हम नहीं कह सकते, ठीक ना। तो ए बी इंटू वो सदैव सत्य वाली बात है, इसमें ये सत्य हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा। आता है बहुत एग्जाम, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल में आता है, लेकिन ए इंटू बी हमेशा जीरो हो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स हो, ये भी सत्य। इसमें से कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो सवाल था, ठीक ना, और कन्फ्यूजिंग भी था कि इसमें क्या है। तो इसमें देखिए विकल्प डी सही है, आप देख सकते हैं कि नहीं, दो आव्यूह ए और बी के लिए यह संभव है कि ए बी इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये मिल बहुत बार देखें कि ए बी इंटू बी ए करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, तस्मक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से हमको छांट छांट के क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे। तो ये जो है हमारे मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन हो गए, हालांकि समय तो आपका लगभग 20 मिनट हो गया इस समझाने में, लेकिन जब आप क्वेश्चन किए रहेंगे, चीज़ों को समझे रहेंगे, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए दोस्तों, और छोटे छोटे सवालों को हम क्या करेंगे, उसको करेंगे, उससे भी छोटे छोटे सवालों में ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, ये मत समझिए कि उसमें तुरंत लग जाएगा, ठीक ना। किसी से पूछ ली वो अलग बात है, लेकिन अब तो कैमरा वैमरा भी लग गया है तो कारण सारी समस्याएं बहुत खड़ी हो सकती हैं, ठीक ना। एग्जामिनर एक बार आपको देख लिया, ठीक ना, तो उसमें फिर दिक्कत। तो 5 क्वेश्चन आज हम लोग ने बहुविकल्पी के किए, आव्यूह के चैप्टर वाइज जो है हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो चैप्टर वाइज करेंगे तो इस तरह से सीखेंगे भी, फिर बाद में जब हम
पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मिक्स होगा, ठीक ना। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इतना क्यों झमेला करना। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबको पता है कि बुध मुझ से ही तालाब भरता है। 5 5 नंबर से ही आपका 50 नंबर होगा, 50 नंबर से 60 होगा, 60 होगा 70, ऐसे करते करते ही हमारा क्या होगा, 90 95 और 100 पाया जा सकता है, ठीक है। ये सब एक एक मिनट का क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि अब आपको भगवान के भरोसे नहीं रहना है। देखिए शुरू में ही 5 मिनट, हालांकि जब ये सवाल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे ये 5 सवाल को हल करने में, ठीक ना। वहाँ पे मैंने समझाया, इसलिए मेरा 20 मिनट हो गया। तो एकदम लग जाइए दोस्तों, अच्छा नंबर आना चाहिए बोर्ड में। बहुत प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा तो हम लोग काफ़ी निराश हो जाएंगे, और हो सकता है कि अगले साल जो है उतना उत्साह से काम ना कर पाए। तो आप लोग का अगर बेहतर रिजल्ट होगा तो हम लोग को, हमारी टीम को बहुत खुशी होगी, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर वो काम में हमें सफलता मिलती है तो आपको, हमें, सभी को अच्छा लगेगा। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही।